गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है भूगोल दृश्य सामग्री में चित्र। भूगोल दृश्य सामग्री हम ये कह सकते हैं कि चित्र क्या होते हैं। चित्र एक हम ये कह सकते हैं ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को बालकों को आसानी से समझाया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से बालक को ऐसे ज्ञान दिए जा सकते हैं जिनको वो स्थायी कर सकता है, उन जिसके आधार पर उसे वृद्धि हो सकती है, क्योंकि चित्र के माध्यम से बालक किसी भी ज्ञान को आसानी से समझ जाता है, सीख जाता है। उसको वस्तु का ज्ञान या वस्तु का बोध हो जाता है कि ये जो वस्तु है या जो ये चीज़ समझाई जा रही है वो इस आधार पर होती है। तो ज्ञान ही एक ऐसा सॉरी चित्र ही एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से विषय वस्तु को आसानी से सरलता से आत्मबोध कराया जा सकता है। चित्र के माध्यम से शिक्षक भी विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकता है, पाठ का विकास कर सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। चित्र किसी भी आधार तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन चित्रों को बनाने का भी एक तरीका होना चाहिए। चित्र जब हम कोई बना रहे हैं तो उस चित्र को बनाने के लिए सिर्फ जो ज्ञान हम कराना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में हम बताना चाहते हैं चित्र में, वो ही अंकित ज़्यादा होनी चाहिए, अन्यथा अन्य चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे बालक कोई उसके आसपास की उस पर ध्यान नहीं दे, सिर्फ उस पर मेन चीज़ पर ध्यान दे, जिससे बालक में कोई भ्रम या कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। तो चित्र क्या होते हैं, चित्र क्या होते हैं? तो चित्र की डेफिनेशन जैसे हम देखेंगे, चित्र किसी वस्तु के वास्तविक स्पर्श के संबंध में, किसी वस्तु के वास्तविक स्पर्श के संबंध में कोई ज्ञान या बोध कराते हैं, चित्र कहलाते हैं। कोई भी वास्तविक वस्तु है, उस वास्तविक वस्तु का क्या करार है, संबंध में ज्ञान या बोध कराते हैं, चित्र कहलाते हैं। अब चित्रों का प्रयोग एक अध्यापक शामपट पर बनाकर भी कर सकता है, चार्ट पर बनाकर भी उस चित्रों के माध्यम से समझा सकता है, और हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रोजेक्टर और उस पर चल चित्रों के माध्यम से उस पर भी चित्र दिखा सकता है। लेकिन अगर अध्यापक चित्रों को बना के समझाए विषय वस्तु के समय पर, जब विषय वस्तु समझा रहे और उसी टाइप से उस चित्रों को बनाकर समझा रहा है, तो वो क्या होगा कि हाँ, बालक क्या, अध्यापक क्या कर रहा है, अपने शिक्षण को तो प्रभावशाली बना ही रहा है, वास्तविक स्पर्श का बोध भी करा रहा है, वस्तु का बोध भी करा रहा है, और कक्षा को, बालकों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर भी कर रहा है कि हाँ, बालक उसकी ओर, उसके ज्ञान को, जो शिक्षण कार्य को करा रहा है, उस शिक्षण कार्य को बहुत अच्छे से समझे, जानने की कोशिश करें। लेकिन जब अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को समझा रहा है, तो विषय वस्तु को समझाते समय वो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब चित्र का, जिस चित्र का वो प्रयोग कर रहा है, वो उस विषय, उस वस्तु से संबंधित हो। सपोज मान लो हम कह सकते हैं कि जब हम अक्षांश या देशांतर रेखा का बोध करा रहे हैं, तो जब हम अक्षांश देशांतर रेखा का बोध करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा का ही बोध कराना चाहिए, एक साथ दोनों का नहीं कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक साथ बोध कराएंगे तो बालक क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उस बात को समझ नहीं पाएगा। तो जब अगर हम अक्षांश रेखा बता रहे हैं, तो हमें अक्षांश रेखा ही बतानी चाहिए, ना कि हमें देशांतर रेखा बतानी चाहिए कि अक्षांश रेखा का इस तरीके से होती है। दूसरे दिन जब हम देशांतर बता रहे हैं, क्योंकि हर स्तर का बालक अलग होता है, अगर हम 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को अक्षांश देशांतर रेखा का बोध कराएं, तो हमें पहले अक्षांश का बोध कराना चाहिए एक दिन, और दूसरे दिन हमें देशांतर का बोध कराना चाहिए। और हम जब 10th या हम 12th लेवल पर विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, तब एक साथ हम दोनों विषय उसका बोध करा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से बोध करा देना चाहिए, फिर हमें ये बताना चाहिए हाँ, इस जगह पे ये चीज इतनी होती है, इस आधार पर इसको इस ये कहा जाता है। तो सारी चीज़ों का जब हम बोध करा रहे हैं, तो चित्र, ये चित्र बनाए, चित्रों के माध्यम से बालक को हमने समझाने की कोशिश करी कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अब ये चित्रों के लाभ, चित्रों के कई सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो कि अध्यापक अपने पाठ का विकास चित्रों के माध्यम से आसानी से कर सकता है। दूसरा, चित्र कम पैसे लगते हैं, कम भी खर्च होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक शामपट पर भी चित्र बनाकर समझाया जा सकता है,
चार्ट पर चित्र बनाकर समझाया जा सकता है, चार्ट भी इतना महंगा नहीं आता है, तो चित्र बनाने में और विषय वस्तु को समझाने में उसमें पैसा कम लगता है। फिर तीसरा है कि चित्रों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, भारी चीज नहीं होती है, हल्की होती है, तो चित्रों को आराम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। या फिर हम कहेंगे कि चित्रों के माध्यम से हमें भूगोल, इतिहास, भाषा, विज्ञान, गणित आदि विषय वस्तु का बोध कराना चाहिए, जिससे बालक पाठ की ओर आकर्षित हो सके, पाठ को समझ सके। चौथा हम लेंगे कि जब सॉरी पांचवी हम लेंगे कि चित्रों के माध्यम से कक्षा कक्ष के वातावरण को या कक्षा कक्ष का वातावरण भी शिक्षण के अनुकूल बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लाभ देखेंगे तो बालकों को हम ये बिजी रखने के लिए या बालकों को शांत रखने के लिए भी चित्रों के माध्यम से विषय वस्तु का बोध कराना चाहिए, कि बालक जिससे आपस में एक दूसरे से बात नहीं करे और उसके विषय वस्तु को समझने की कोशिश करे, तो उस माध्यम से भी चित्रों का प्रयोग कराना चाहिए। अगर इसकी हानियां देखें तो चित्र की जितनी लाभ है, जितनी विशेषता है, उतने एक दो उसमें हानियां भी हैं कि जब हम चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो चित्र आकर्षक होने चाहिए, रंगों का प्रयोग चित्रों में करा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर चित्र आकर्षक नहीं है और रंगीन नहीं है तो बालक उसको देखने में, उस बालकों को देखने में वो अच्छा नहीं लगे। हमें सीधी सी बात है, जब हमारे पहले समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते हैं तो वो एक क्या लगती है, काली काली सी लगती है, सफेद और काली लगती है। लेकिन जब हम उन्हीं चित्रों को, उन्हीं पिक्चर्स को कलर में देखते हैं, कलर उस प्रिंटेड देखते हैं, तो वो क्या हमें लगती है, अच्छी लगती, आकर्षक लगती है, उसमें बहुत सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। तो रंगों का जो महत्व है चित्र में वो बहुत अधिक होता है, इसलिए रंगों को ध्यान में रखते हुए चित्रों का प्रयोग बनाना चाहिए और आकर्षक चित्र लगने चाहिए। सपोज मान लो हम चित्र बना रहे हैं, कोई भी हमें अब जैसे ये बनाया, ये गोला बनाया, और इसी गोले को हम इस तरीके से ना बनाकर इस तरीके से बना दे तो ये क्या लग रहा है, और इसमें अगर अक्षांश देशांतर रेखा समझाएं तो ये क्या लग रहा है, ये कोई गोला लग रहा है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझाने लायक गोला लग रहा है, और इस पे ये समझे अक्ष देशांतर रेखा समझाई जा सकती, नहीं समझाई जा सकती। तो ये चित्र क्या दे रहा है हमें, एक गलत आवाज दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बालकों को इसकी वास्तविक वस्तु, वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, चित्र जब हम बना रहे हैं या चित्र का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो विषय वस्तु हम समझाना चाहते हैं वो ही चीजें ज्यादा उस पर दिखनी चाहिए, अन्य जो हम कहते हैं कि विषय वस्तु या अन्य बातें उसमें चित्र में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर अन्य बातें दिखेगी तो बालक का ध्यान इस उस दूसरी बातों की ओर भी जाएगा और वो जानने की कोशिश करेगा, जिससे जो मेन चीज हम समझा रहे हैं बालक को वो नहीं समझ पाएगा और बालक में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएगी, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि इस चीज को हम कैसे करें। तो चित्रों का प्रयोग भूगोल शिक्षण में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब कोई विषय वस्तु या हम ये कह सकते हैं कोई प्राकृतिक स्थलाकृति है, भौतिक संस्कृति है या सामाजिक विकास है, वो सभी ही विषय वस्तु का ज्ञान, वास्तविक वस्तु का ज्ञान हम चित्रों के माध्यम से दे सकते हैं। इससे संबंधित आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दीजिए।